काफ़ी सालों लिख रहा था, फिर मैंने अपने पब्लिशर्स को दिखाए इसके ये सारे चैप्टर्स, तो उन्होंने कहा कि इसको पब्लिश किया जाए किताब के तरह। उनका बड़ा मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ऐसे किया, और किताब साइमन एंड शस्टर वालों का बड़ा शुक्रगुजार हूँ बहुत अनुपम जी का कि यहाँ आए, और दीप्ति जी का कि दोनों आए इस मौके पर। मेरे लिए बहुत ही बड़ा दिन है और बहुत ही खुशगवार दिन है, क्योंकि मैं इन दोनों का बहुत बड़ा फैन हूँ, क्योंकि वेरी फ्रैंक आई एडमायर हिम एंड आई एडमायर दीप्ति, दे आर ग्रेट राइटर्स इन देयर ओन राइट, और इनकी किताबें पढ़ी हैं दोनों की मैंने, और इनकी अभी पढ़ रहा हूँ कोरोना वायरस के ऊपर। और अगर कसम से कह सकता हूँ कि अगर न पढ़ी होती तो आज तक मेरे दिल में डर बैठा रहता कोरोना का, इनकी वजह से वो दूर हो गया, बिकॉज ही इज ऑप्टिमिस्ट एंड ही राइट सो ब्यूटिफुली। हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि हमें बुलाया गया, मतलब दीप्ति के बिहाफ पे भी मैं कह सकता हूँ। किताबों का जो अपना नशा है और जो अपना एक कुमार है और एक अपनी जो रिचनेस है, वो आपको कंप्यूटर में बैठी हुई किसी किताब पर या उस पर नहीं मिल सकती, बिकॉज जब तक आप किताब को हाथ में नहीं लेते हैं और जब तक पन्ने नहीं पलटते और जब तक ऐसे भी नहीं करते हैं, तब तक उसका एक अपना मैजिक होता है। मेरी लाइफ में किताबों ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल किया है बतौर एक्टर। किताबें जो हैं आपकी इमेजिनेशन बढ़ाती हैं। किताब में लिखा होता है एक आदमी रात के अंधेरे में घूम रहा था, तो आपका आदमी अलग होगा, आपकी रात अलग होगी, घूमना अलग होगा। तो ये स्ट्रेंज एनकाउंटर्स की वजह से आज इनसे हमारी मुलाकात हुई, और मैं प्रार्थना करूँगा कि ये किताब बहुत ही सफल हो और सब लोग आप लोग इसे पढ़ें। हाँ, बस मैं परीक्षित जी को आई वॉन्ट टू विश हिम ऑल द बेस्ट फॉर दिस बुक। मैं भी बहुत अरसे से इस किताब की इंतज़ार में थी, बिकॉज मैंने हमेशा समझा और मुझे विश्वास था कि परीक्षित जी के अंदर एक बहुत सेंसिटिव राइटर है और वो निकल के आना चाहिए। आई एम वेरी हैप्पी टू सी दिस बुक एंड आई एम होपिंग कि हमें बहुत सी और किताबें इनसे मिलेंगी। परीक्षित जी, दिस इज अ गुड बिगिनिंग। दूसरी किताब ऑलमोस्ट रेडी है जी, और मैं जैसे कह सकता हूँ कि आई नेवर डिड वॉन्ट टू बी एन एक्टर। मैं हमेशा चाहता था लिखना, यस, और स्क्रिप्ट लिखा था, एंड आई डिड माय ग्रेजुएशन इन डायरेक्शन। ये तो गलती से एक्टर बन गया मैं, और रियल एक्टर तो ये सामने बैठे हुए दोनों। मगर दूसरी किताब तैयार है और उसके दो चैप्टर लिखने हैं। रियली? हाँ, दो चैप्टर लिखने में अभी बता रहा था इनको, और तीसरी बाग करके रखी हुई है जो कि शुरू कर रहे हैं। अब इनकी लिखी हुई किताबों की बाढ़ आने वाली है। That's amazing. Because if I don't write, I feel absolutely dead. I don't feel alive. See? Thank you. सुबह तीन चार घंटे लिखना बहुत जरूरी है। जरूरी। सर, वो यू आर ऑल्सो कमिंग विद अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट, इमरजेंसी में आ रहे हैं, उसका स्टोरी भी काफी जानदार है, उसके लिए बताइए क्या करना चाहिए। सब फिल्में इंटरेस्टिंग आ रही हैं, सब अच्छा है। वी आर गोइंग थ्रू अ वेरी इंटरेस्टिंग फेज जहाँ रियल टैलेंट, रियल कहानी दुनिया तक पहुँचेगी। एक जर्नी होती है, ये बार बार मेरी पैंडमिक की किताब की बात कर रहे हैं, वो किताब का नाम है योर बेस्ट डेज टुडे। बेसिकली समटाइम्स व्हेन यू एनकाउंटर योर फियर्स एंड यू राइट अबाउट देम, तो धीरे उसका डर जो है वो कम चला जाता है, कम हो जाता है। तो आई थिंक पिछले दो सालों में जो हुआ है सब में कोई ना कोई बदलाव आया है। अब कहानियाँ भी अच्छी आएंगी और किताबें भी अच्छी आएंगी। धन्यवाद।